हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल मनु खाना खजाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं सेमैया। सेमैया बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, बस हम और बहुत ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो सेमैया बनाने के लिए हमने लगभग लिया है लगभग 250 ग्राम सेमैया। चीनी हम सेमैया में अपने स्वादानुसार डालेंगे। अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है तो आप इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा कम भी यूज कर सकते हैं। साथ में लिए हैं हम 3-4 इलायची के दाने, इसको थोड़ा सा कूट लिए हैं। लास्ट में गार्निश करने के लिए हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है, नारियल लिया है, ग्रेट कर लिया है, बादाम और काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, और साथ में किशमिश। तो हम इस कटोरे में 1 कटोरा पानी लिए हैं। कटोरे में हम लगभग 1.5 कटोरे दूध का यूज करेंगे। गैस पर रख लेंगे गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म होता है तब तक हम सेमैया जो है उसको भून लेते हैं। हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया और कढ़ाई गर्म हो गई। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच घी सेमैया को भूनने के लिए। घी गरम हो गया, अब हम सेमैया को कढ़ाई में डाल देते हैं। सेमैया को हम धीमी आंच में ही भूनेंगे जिससे कि यह जले नहीं। और मार्केट में भुनी हुई सेमैया भी मिलती है, तो अगर आप भुनी हुई सेमैया यूज करते हैं तो आपको भूनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम भुनी हुई सेमैया लेके आते हैं और उसको हल्का घी में भून लेते हैं, इतना ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है पर हल्का सा भून लेते हैं, तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। हमने ये मोटी वाली सेमैया ली है। अगर आप पतली वाली सेमैया ले रहे हैं तो उसको और सावधानी से भूनने की जरूरत होती है और उसको इतना नहीं भूनना पड़ता, उसको कम समय लगता है भूनने में। हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और धीमी आंच में भूनेंगे जब तक कि यह इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। तो हम इसे कंटिन्यू चला रहे हैं और ये देखें थोड़ा थोड़ा इसका कलर ब्राउन होने लग गया। लेकिन हमें तब तक इसको भूनना है जब तक कि इसका कलर एकदम से ब्राउन ना हो जाए सारी सेमैयों का। तो ये देखिए सेमैया का कलर एकदम से ब्राउन हो गया। इसको भूनने में हमें कम से कम 10 से 12 मिनट लगे हैं। एकदम से स्लो फ्लेम में हमने इसको भूना है और ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें स्लो फ्लेम में ही भूनना, नहीं तो सेमैया बहुत जल्दी जल जाती है। तो ये अच्छे से भुन गई है। अब हम इसे गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने दूध गरम करने के लिए रखा था और ये गरम हो गया। हम इसको एक बार चला देते हैं और साथ में हम जब दूध गरम हो जाए तो उसमें चीनी स्वाद के अनुसार और इलायची डाल दे रहे हैं जिससे कि इसमें इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हम चीनी अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। अगर थोड़ा कम लग रहा हो तो हम इसमें थोड़ी सी और चीनी ऐड कर सकते हैं। दूध एकदम से बॉयल होने लगा तो हम सेमई जो है इसको इसमें डाल देते हैं। तो ऐसे हल्के हमें इसे अच्छे से चलाना है, नहीं तो ये फिर नीचे बन जाती है। तो इसे हम अच्छे से चला देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये देखें ये कितने अच्छे से बॉयल हो रही है। बस इसे ऐसे ही बॉयल होने देंगे लेकिन मीडियम फ्लेम में। हम हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो दूध बाहर गिर जाएगा। तो हम इसे ऐसे ही मीडियम फ्लेम में पकने देते हैं लगभग 15 मिनट। ये देखिए सेमई कितने अच्छे से
पक गई है और इसे हमें बीच बीच में भी चलाना है, नहीं तो ये नीचे लग भी सकती है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो मिक्स कर देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दिए और एक बर्तन सेमैया बनके तैयार हो गई। इसको थोड़ा और ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स और नारियल से गार्निश कर देते हैं। ये अभी ठंडी होगी तो थोड़ी और गाढ़ी होगी, इसलिए आप अपने हिसाब से इसको कम गाढ़ा करना है या ज्यादा गाढ़ा, जैसा भी आपको खाना पसंद हो उस हिसाब से इसको पका लीजिए लास्ट में। इस तरह से सेमैया बनाइए और सेमैया का आनंद लीजिए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।